नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट बुकिंग कैसे करें। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मार्केट में सब लोग ओला उबर उसके अलावा और कुछ सोचते नहीं हैं। सब लोग लगता है कि कहीं जाना है, लंबा हो, लोकल हो, आउट स्टेशन हो। आजकल कस्टमर भी ज़्यादातर ओला उबर बुक करते हैं और ड्राइवर भी पसंद करते हैं कि ओला उबर ही गाड़ी चलाएं जिससे उनको ज़्यादा बुकिंग मिले। पर दोस्तों ऐसा नहीं, मार्केट में अभी भी अगर आप चाहो तो प्राइवेट बुकिंग भी कर सकते हो। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, हर ड्राइवर का अपना अपना कॉन्टैक्ट होता है, अपना एक तरीका होता है। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कैसे प्राइवेट बुकिंग करता हूं। मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप बना के रखे हैं जिसमें उनके नज़दीक कोई बुकिंग बनती है तो खुद जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं जा पाए तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई इस समय ये बुकिंग अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ जाना है, सिंगल आना जाना है, खाली ड्रॉप करना है, रिटर्न आना है, कितना दिन रुकना है और कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितने लोग हैं, सब डाल देते हैं और फिर कस्टमर का नंबर डाल देते हैं। तो जिसको जाना होता है, जो नज़दीक होता है, जो सूट करता है जिसको, वो बुकिंग एक्सेप्ट कर लेता है और कस्टमर को बात करके अपना वो चला जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ ऐसे, या फिर ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट बनाओ जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिवेट हैं और उनका ग्रुप में ऐसे बुकिंग, आउट स्टेशन की बुकिंग या लोकल की बुकिंग भी मिलती है। तो उस कॉन्टैक्ट से आप काफ़ी बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपने जो मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बना कर रखा है जिसमें मेरा नाम, मोबाइल नंबर, मेरे टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम और कौन सी गाड़ी मिलेगी। हालांकि मेरे पास गाड़ी छोटी है लेकिन मैंने उसमें बड़ी गाड़ियों का नंबर डाल दिया है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ, और सबका एक विजिटिंग कार्ड में डाल दिया है। जिससे क्या होता है कि मैं हमारे एरिया के आसपास बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स अभी भी हैं, वहाँ पर मैंने वो कार्ड दे दिया है और बोला हूँ कि जब भी आप लोग को गाड़ी चाहिए तो आप लोग मुझे फ़ोन कीजिए तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो कस्टमर लोग अभी भी उनके पास जाते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल के पास, और वो लोग उनको बोलते हैं गाड़ी चाहिए इस तारीख को, तो वो लोग हमको कॉन्टेक्ट करते हैं। उसमें थोड़ा नुकसान ये होता है कि हमको 10% कमीशन देना पड़ता है उस टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को। मान लीजिए आपका 3000 का बिल है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को 300 रुपये आपको कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है यार, 300 रुपये कमीशन दिया तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो लोग भी ऑफिस लेके बैठे हैं, उनका भी खर्चा पानी निकलना चाहिए। तो ये तरीका अपनाता हूँ मैं। और अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ने बोला कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए तो हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनको फ़ोन कर देता हूँ कि भाई देख मेरे पास तो गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी का भाड़ा है, तो वो जाके भाड़ा मार लेता है तो उनका काम हो जाता है। तो हम लोग दोस्त लोग में आपस में कमीशन नहीं लेते एक दूसरे से, कई लोगों में आपस में भी कमीशन लिया जाता है, लेकिन मैं तो अपने लोगों से, दोस्तों से कमीशन लेना पसंद नहीं करता हूँ, ना वो मुझसे कमीशन लेते हैं। तो इस तरह से भी आप प्राइवेट बुकिंग कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर आप ओला उबर के ट्रिप जब लेते हो, जब प्राइवेट बुकिंग नहीं मार रहे हो, घर में हो, उस समय जब टाइम है तो उस समय ओला उबर चलाया करो। तो उससे क्या होगा कि आप ओला उबर भी चला रहे हो और प्राइवेट बुकिंग भी कर रहे हो, दोनों आपको जो सुविधा लगे वो हिसाब से करते रहो। ओला उबर में क्या कि आपको भाग दौड़ ज़्यादा हो जाता है और आपको पता ही दोस्तों ओला उबर में पैसा कम मिलता है, कमीशन ज़्यादा काटा जाता है। तो ठीक है, ओला उबर का अपना अलग एक इशू है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट बुकिंग करते हैं तो आपको बुकिंग भले कम मिलती है लेकिन एक दिन की बुकिंग, पूरा दिन की बुकिंग मिलती है, कभी कभी 2-3 दिन की बुकिंग मिल जाती है जिससे आपको 2-3 दिन का काम हो जाता है और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आप यकीन मानिए अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो मैं तो पसंद करता हूँ ज़्यादातर कोई प्राइवेट बुकिंग मिले उसमें ही अच्छा लगता है, पर अगर जब प्राइवेट बुकिंग नहीं होती है तो मैं ओला उबर का बुकिंग चलाता हूँ, ओला उबर ऐप चालू कर देता हूँ और उसकी बुकिंग मारता हूँ। तो उसमें ये भी है पॉइंट वाली बात कि जब मैं ओला उबर की बुकिंग पे रहता हूँ और अच्छे कस्टमर मिलते हैं, जो लगता है कि ये कस्टमर अच्छे हैं, तो उनको अपना मैं कार्ड दे देता हूँ और बोल देता हूँ सर मेरा कार्ड रख लीजिए सर, आपको कभी भी लंबा जाना है, कहीं आपको जाना है ना, चाहे लोकल में या आउट स्टेशन, तो आप मुझे प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रात को बोलेंगे कि मुझे कल गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आपको मिल जाएगी, चाहे आपको छोटी गाड़ी चाहिए तो मेरे पास है, अगर बड़ी गाड़ी चाहिए तो भी मिल जाएगी, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं। तो ऐसा करके मैं कई कस्टमर लोगों को कार्ड दे देता हूँ। तो कुछ कस्टमर फ़ोन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो भले 10 में से 10 लोग, आप भले आपने 10 कस्टमर को कार्ड दिया, अगर 2 लोगों ने आपको फ़ोन कर दिया तो 2 कस्टमर आपके बन जाएंगे। और एक उस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, उनके साथ खुश होकर रहें, उनके साथ अच्छे से बात करें। अगर आप किसी कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं तो कस्टमर खुश हो जाते हैं।
तो सोचते हैं कि भाई ये अच्छा ड्राइवर है, तो दोबारा कोशिश करते हैं कि आप ही उनकी ड्यूटी करो। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ कि भले उनको पैसे ज़्यादा लगते हैं पर फिर भी वो मुझे ही बुलाते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आजकल हर कस्टमर चाहता है कि उनको अच्छा ड्राइवर मिले। बहुत सारे ड्राइवर बदतमीज होते हैं, बात करने का तरीका नहीं आता है, कैसे कैसे बात करते हैं। तो आप हमेशा अपना बात करने का तरीका ऐसा रखिए, फ्रेंडली रखें, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये अच्छा ड्राइवर है। अगर आप इतने साल से काम कर रहे हो और अगर आप फिर भी अगर आप 10-20 कस्टमर पर्सनल नहीं बना पाए अब तक, तो कहीं ना कहीं कमी आप में ही है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मेरे तो कम से कम ऐसे 20-25 कस्टमर हो गए हैं जो कम से कम महीने में एक बार दो बार ज़रूर याद करते हैं कहीं जाना है। तो मेरा बहुत सारा काम मेरा प्राइवेट में ही हो जाता है, और जब खाली होता हूँ तो फिर ओला उबर की बुकिंग चलाता हूँ। तो दोनों करने में बुराई नहीं है ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये सब ट्रिक मैं अपनाता हूँ जिससे मेरा अच्छा जिससे मेरा प्राइवेट बुकिंग में काफ़ी बुकिंग मिल जाती है। हाँ, ये बात सही है कि आजकल बुकिंग पहले इतनी नहीं मिलती, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो ज़्यादातर कस्टमर भी ऑनलाइन ही ओला उबर बुक करना पसंद करते हैं और कभी कभी उनको ऑफ़र मिल जाते हैं। अभी भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो लोग ओला उबर के भरोसे नहीं रहते, उनको लगता है पता नहीं ड्राइवर कैसा मिलेगा क्या करेगा, इसलिए वो लोग प्राइवेट में ही फ़ोन करके ड्राइवर को बुलाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल मेरा सोचने का तरीका था, आपका सोचने का तरीका मेरा अलग हो सकता है। तो अगर आप लोगों को कुछ और नया आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पूछना कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।